कुछ ऐसी ईर्ष्या या कुछ भी रखते हुए अपने घरों में जाकर भी चाहे आप किसी के विरोध में बात करते हुए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे ऊपर कब्जा करता है। यही चीज आप आपके शब्द, आपकी बातें, आपके काम आपको बताएंगे कि आपके ऊपर किसका कब्जा है। आपके मन के भाव आपको बताएंगे कि आपका आपके ऊपर कब्जा किसका है। आपकी सोच आपको ये कंफर्म करेगी कि आपका आपका आपके सच के ऊपर, आपकी जिंदगी पे, आपके अवगत पे, आपकी सोच पे, आपके दिमाग पे किसका कब्जा है। यदि यदि यही चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा है ना, हम निरंतर बोलते हैं किसी के लिए वैर, क्रोध, जल, ये चीजें हमारे अंदर है, तो ये परमेश्वर का वचन से क्या बड़ा, क्या तुम ये नहीं जानते कि जिसका कब्जा तुम्हारे ऊपर है तुम उसके क्या हो, दास हो, गुलाम हो, स्लेव हो। तो यदि ये चीजें हमारे अंदर रहेंगी तो हम किसके गुलाम है, हम पवित्र आत्मा के गुलाम नहीं होंगे।